लो जी, ये टाइप कर दिया, करो नोट, इसके क्वेश्चन लिखवा देते हैं आपको। ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन विदाउट टेक्निक चल रहा है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन विदाउट टेक्निक, ये स्ट्रेट हो जाता है सब कुछ। इंटीग्रेशन विदाउट टेक्निक, और इसे हम बोलते क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन दो तरीके से भी सॉल्व हो सकता है इसके अंदर, ठीक है जी। क्वेश्चन लिखवा देते हैं इसके, अपने हाथ से कर लोगे 5x साइन अल्फा प्लस 1 की पावर माइनस 1, ये चार क्वेश्चन कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यस हो गए, ठीक है। अभी चल रहा है इंटीग्रेशन विदाउट टेक्निक, कोई टेक्निक नहीं लगा रहे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे और आंसर आ रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे और क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ये हमने टाइप थ्री कराया है, क्या कराया है, टाइप थ्री। देखो क्लासिफिकेशन भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज जब क्लासिफिकेशन करी उतना रिवाइज करेंगे उतना आपका माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। क्लासिफिकेशन से बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं, आजकल जो बच्चे 95 97 99 100 तक पहुंच जाते हैं उन्होंने रजिस्टर्स वगैरह अच्छे से मेंटेन किए होते हैं, आप इन क्वेश्चनों को याद नहीं कर सकते, सिस्टमेटिकली पढ़ रहे होंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, ठीक है जी। टाइप फोर, टाइप फोर लॉग एक्स वाले में भेज देते, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया हमने, लॉग एक्स प्लस सी, जैसे ये देखो डी एक्स ओवर टू एक्स प्लस सी, एक्स की पावर वन होनी चाहिए और होल पावर भी क्या होनी चाहिए, वन, लॉग टू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एंगल प्लस 7 अल्फा एक्स माइनस 6, क्या इंटीग्रेशन होगा, 7 अल्फा एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस 3x, क्या इंटीग्रेशन होगा, लॉग 1 माइनस 3x प्लस सी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ dx ओवर 6x माइनस 5, डी एक्स ओवर 7x cos अल्फा माइनस 1, डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव, क्या डेरिवेटिव आएगा, 7 cos प्लस सी, प्लस सी नहीं लगाओगे तो एक नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना, और नंबर गवाने नहीं अपने, ठीक है ना। डी एक्स ओवर 3x माइनस, टाइप फोर क्या कर रहे हैं हम, उसको होना ध्यान होना बहुत जरूरी है।
होमवर्क में लिख लो कुछ। चार क्वेश्चन कर लीजिए। हाँ आधे घंटे में हम टाइप फोर से पहुंचते। लो जी टाइप फाइव में चलते हैं। -3x2 + 4x - 5। बड़ा भयंकर क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर पार्ट का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर देंगे, हर पार्ट का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे पहले स्प्लिट x³ dx, -3 बार लिया इसका x² dx + 4x dx -5, यहाँ 1 dx हो जाएगा। ध्यान से देखो रूल क्या कहता है, पावर में एक जोड़ो और नीचे से डिवाइड करो, 3 + 1 / 3 + 2 + 1 / 2 + 1 / 1। x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा, 1। बेसिकली x 1 को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 0। अब इंटीग्रेशन जब करोगे तो 0 + 1 / 0 + 1 क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है जी, गॉट इट। ये देखो 1 - 7x - 4x² - 5x - 6x² कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, हर पार्ट को अलग कर दो। फिर वही जो तरीका इंटीग्रेशन का है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x 7x² / 1 होगा। ठीक है जी, जैसे एक और देखो ये क्वेश्चन है, देखो रूल्स तो वही यूज कर रहा हूं मैं, x² - 4x - 6x 7/2 - +8/x³ dx। ध्यान से, ठीक है जी, x² dx, x dx, 6 बार लो, dx / x, 7 बार लो, dx / x² सारा खेल ही सिंप्लीफिकेशन का है, जो सिंप्लीफिकाई करना जानता है वही आगे भागता है। तो ये अभी भी और थोड़ा सा पार्ट बचता है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो 1/x का ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। ठीक
पावर में वन जोड़ोगे तो माइनस वन डिवाइडेड बाय द माइनस टू डिवाइडेड बाय द प्लस प्लस, ठीक है जी। ये तीन क्वेश्चन नोट करो, बाकी होमवर्क में दे देते हैं आपको, क्योंकि तो तीन मैं करूंगा, तीन चार आप करोगे, बल्ले बल्ले तभी होगी। तीन क्वेश्चन का करना जी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। मैं आपको बता रहा हूं, इंटीग्रेशन में कहना बहुत आसान है कि इट इज द रिवर्स प्रोसीजर ऑफ डिफरेंशिएशन, बट होता क्या, सीधा चलना आसान होता है किंतु परंतु रिवर्स चलना मुश्किल होता है। ना आप कॉपी कर पाए हो तो आप सीधे पहले ही पॉज करके कॉपी कर। टाइप सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन रूट एक्स, ठीक है जी।
अब इसको पहले सिंप्लीफाई करो, नई चीज बिल्कुल आ रही है आपके सामने, इंपॉर्टेंट है स्टार्ट मान लेना, कुछ ना कुछ हर बार नया सीखोगे। जैसे पावर टू है, नीचे वन बाय टू है, ऊपर आगे कितनी होगी माइनस वन बाय टू। ये एक्स है, दूसरे की पावर माइनस वन बाय टू है, डी है। ठीक है, दो दूनी चार, चार दूनी से भाई तीन, वन में से वन बाय टू, वन बाय। अब देखो ये वही सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई जो हम पीछे बार बार पढ़ के आए, घूम फिर के पहुंचेंगे वहीं। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करके अच्छे से लिखना है। ये हो गया, आपने इसको देखा ध्यान से क्वेश्चन को, एफ तो डायरेक्ट तो कुछ हो नहीं सकता, तीनों के नीचे अलग अलग कर दिया, अलग अलग करने के बाद पावर को एडजस्ट करके एक सिंगल फॉर्म में ले आए। जब वो सिंगल फॉर्म में आ गए, वो उसी फॉर्म में आ गए जिसे हम पीछे से पढ़ के आए, अल्टीमेटली क्या हुआ, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है जी, और देखो वन माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट आप कर ही नहीं पाएंगे कभी, अब हर पार्ट को अलग अलग करो, वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ठीक है, ये तो बन गया आपका x की पावर माइनस टू डी एक्स, यहां बन गया डी एक्स बाय। ठीक है, पावर में वन जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाय द थ्री, ये तो एज ए लॉग एक्स हो गया। वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेवन एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है जी, ऐसा एक और देख लेते हैं, ओवर क्यूब रूट ऑफ एक्स। सारा आपकी सारी मास्टरी होनी चाहिए सिंप्लीफाई करने में, सारी मास्टरी होनी चाहिए सिंप्लीफाई करने में, फोर एक्स स्क्वायर जी, नीचे पावर वन बाय थ्री है, ऊपर आगे कितनी हो जाएगी माइनस वन बाय। पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म तक पहुंचना हमारा जो एम होता है, कि सिंप्लीफाइड फॉर्म तक पहुंच जाएं। एक्स की पावर कितनी होगी, एट बाय थ्री प्लस वन करेंगे तो क्या हो जाएगी, फाइव बाय थ्री डिवाइड बाय फाइव, ये हो जाएगी टू बाय थ्री डिवाइड बाय थ्री, और ये हो जाएगा प्लस ये कौन सा। ठीक है जी, कॉपी कीजिए, तीन क्वेश्चन मैंने करा दिया, तीन मैं आपको घर कर के लिए दूंगा जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए।
अभी हम चल रहे हैं सेक्शन ए, इसमें चल रहे हैं हम सेक्शन ए। अगर आपको इनडेफिनेट अच्छे से नहीं आती होगी तो डेफिनेट तो कभी भी नहीं आएगी, ठीक है ना। इनडेफिनेट पे पूरा ध्यान लगाना है। इसके दो तीन क्वेश्चन निकालता हूं आपको, जिससे कि पहले सिंप्लीफाई करेंगे तभी इसको आगे करेंगे। जितने क्वेश्चन करते जाओगे उतना इजी होता जाएगा। कॉपी अच्छे से मेंटेन करो, रजिस्टर अच्छे से मेंटेन करो, एक एक वो टाइप आपने अच्छे से नोट कर रखा है, साथ में आपने उसके होमवर्क वाले क्वेश्चन भी करे हो। जितना रिवाइज करते जाओगे बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, फिर अपने आप दिमाग चलता है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता, ठीक है ना जी। लो जी अब चलते हैं टाइप सेवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है सेवन। ये जो मैं आपको लाइन लिखवा रहा हूं, जब तक इंटीग्रेशन चलेगी, इवन डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ये काम आएगी, इवन डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ये काम आएगी। देखेंगे इफ पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर, देन फर्स्ट डिवाइड and put the function in form of q plus r over d. q यानी quotient, r यानी remainder, d यानी divisor. and then integrate. के बाद इंटीग्रेशन, ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन आया आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1, अब देखो ऊपर की पावर ज्यादा है नीचे वाले, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो नहीं सकता। और अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकता, तो पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक्स से गया ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइसर, क्यू प्लस आर ओवर डी, क्यू हो गया एक्स प्लस वन, आर हो गया टू और डिवाइसर हो गया थ्री। अगर आप इसको दोबारा एलसीएम लोगे ये चीज आ जाएगी, बट अब ये ऐसी पोजीशन में आ गया कि आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है जी, अब इंटीग्रेट करो दो तरीके से, होल पावर से कर लो चाहे इंटरनली कर लो, दोनों ठीक माने जाएंगे। एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय पावर वन जोड़ा डिवाइडेड बाय द सेम प्लस टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वन है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा वन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, जब तक
जब तक इंटीग्रेशन चलेगी कहीं पे भी आ जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे ये देखो 2x प्लस 1 ओवर 5x माइनस 6, अब दोनों की पावर बराबर है। रूल क्या कहता है, पावर बराबर हो या बड़ी हो डिनोमिनेटर से तो डिवाइड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि कोफिशिएंट नहीं मिलते, तो सिंपलीफाई करने के लिए इसको 5 से कर देते हैं, इसको 10 2 से कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, ये हो गया 10x प्लस 5, ये हो गया 10x माइनस 2। अब डिवाइड करना इजी हो जाएगा। ये आ गया 7, ये हो गया क्वेश्चन, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया डिवाइड। इसकी तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कहीं पे भी आ जाएगा। एट एवरी लेवल ये वाला आपको रूल लगाना है, जब भी ऊपर बराबर ज्यादा हो या बराबर हो तो हमेशा पहले डिवाइड करें, हमेशा पहले क्या करेंगे डिवाइड। ठीक है, कर लो नोट। गौर करो, ये तो ऐसे है, आपको ये टाइप तो बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए हर वक्त। ठीक है जी, ओवर एक्स प्लस 4, यहां से देखो ऊपर की पावर ज्यादा है, पहले करेंगे डिवाइड। ध्यान से करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए टाइप। होमवर्क में लिख लो क्वेश्चन, सी एक्स माइनस 2 ओवर 5x प्लस 1, पावर बराबर है डिवाइड करना।
तो ऐसा टाइप है कि आपके दिल दिमाग में बसा होना चाहिए। ये तीन क्वेश्चन होमवर्क के कर लीजिएगा। डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकता, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा, 3x माइनस 1 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। ये तो नीचे है ही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया माइनस माइनस वन बाय टू, हर जगह अलग अलग करते हैं। सिंप्लीफिकेशन एक बहुत जरूरी और हार्ड हिटिंग चीज है जिसमें आपकी मास्टरी होनी ही चाहिए। अगर आपकी मास्टरी नहीं है तो इंटीग्रेशन क्या कुछ भी करना मैथ में बहुत मुश्किल है। मैथ में बेसिकली होता क्या, सिंप्लीफाई करो और पावर में वन जोड़ा डिवाइडेड बाय द सेम एंड आल्सो डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल पार्ट। करो टाइप एट, एक और करवाएंगे, चार क्वेश्चन घर के लिए देंगे, अच्छे से कीजिए, परफेक्शन ऐसी आती है।
नेशनलाइज करना ही पड़ेगा। नेशनलाइज करोगे प्लस वाले साइन से, नीचे वाले का रूट हट जाएगा। पावर में 1/2 + 1 आल्सो डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल पार्ट। इंटरनल पार्ट ये है, पावर 1/2 + 1 करे तो बच्चे का 1/90 α प्लस सी नहीं लगाओगे तो एक नंबर कट जाएगा, एक नंबर कट जाएगा। तीन चार क्वेश्चन आपको लिखवा देते हैं, चार कर लो बल्ले बल्ले। VX-4 कम से अच्छा रिजल्ट लाने के लिए कम से कम 5 से 6 रिवीजन जरूरी होती है चैप्टर समझने के बाद, ठीक है ना। अगर इस रूल को फॉलो करोगे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। चार क्वेश्चन कर लो ये बल्ले बल्ले। Pause the video and copy the answer.